मेरी एक जानने वाली है ना, तो वो मुझे कहती है कि मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो डॉक्टर ने हाथ बढ़ाया तो मैंने उसको ना सलाम कर लिया, हाथ मिला लिया। किसने? तुमने? नहीं नहीं, वहाँ पर एक आंटी है हमारी जमात में। आंटी ने कर लिया। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि आंटी के हाथ मिलाना तो मना है, भले डॉक्टर है भले कोई भी है। तो कहती है नहीं नहीं, उसके दिल में ना बुराई थी ना मेरे दिल में, तो हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, अच्छा, तो गलत कहती है वो। ये कहाँ लिखा हुआ है कि बुराई नहीं है? ये तो पहले बताया कि इस्लाम के जो अहकामात है ना, वो कम अज कम किसी इम्कान को भी रद्द करने के लिए इम्कान दिए हैं। किसने लिखा हुआ है? 100 में से 80-90 जो हैं, जो हाथ मतलब मर्द औरतें मिला भी लेते हैं तो किसी के दिल में बुराई नहीं होती, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई बुराई थी औरतों के लिए? नहीं थी ना। या औरतों के दिल में कोई बुराई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? नहीं थी ना। बैत के कई वाकयात ऐसे आते हैं, बैत के लिए औरतों ने कहा हाथ बढ़ाया और आपने कहा हमारी बैत ले लें, आपने कहा हम औरतों से हाथ नहीं मिला, औरतों का हाथ मिला के बैत नहीं लेते। देखें कई वाकयात के हदीसों से साबित है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ये साबित है, बैत जो बिल्कुल एक पाकीज़ा ज़रिया तरीक़ेकार है, और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, उसके बावजूद आपने फरमाया कि मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता, तो फिर बाकी बुराई शराई क्या रहे? ये सब बहाने हैं। इस मुआशरे में आके लोग डर जाते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि अपनी तालीम बताएं और अपना ईमान मजबूत हो, उनके माहौल में ढलने की वजह से ये बुजदिली है। ठीक है, वो जो आंटी आपकी थी ना, खाला मामी चाची है, जो भी थी, थी जो भी थी जमात की, जो बुजुर्ग भी थी ना, अगर तो इंतहाई बुजदिल औरत थी।